दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हम हैं लेट अनिल कुमार के घर पर, हेड कांस्टेबल थे। अभी कुछ दिन पहले पिस्टल साफ करते हुए एक दुर्घटना हुई, गोली चल गई, उनकी दुखद मौत हो गई। लेकिन कई मीडिया चैनलों पर, कुछ अखबारों में गलत खबरें छप गई और कई लोगों ने उसको सुसाइड बता दिया। इसकी वजह से पूरा परिवार काफ़ी दुखी है। एक तो दुख है ही है, लेकिन दुख बढ़ जाता है जब कुछ गलत खबरें छप जाती हैं। अभी परिवार बताएगा उनकी मौत कैसे हुई, और पहले मैं दिखाऊंगा। देखिए, पुलिस ने पूरा मान सम्मान दिया, सलामी दी गई है। ये देखिए, पुलिस ने पूरी तरह से मान सम्मान दिया, सलामी दी गई है। ये देखिए, जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो पुलिस यहाँ पर आई थी। ये देखिए, पूरी तरह से मान सम्मान हुआ है, सलामी दी गई है। ये देखिए, देख सकते हैं, दिखा दो भाई कैमरा में। देख रहे हैं, सलामी दी गई, विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया है। लेकिन गलत खबरें छपने की वजह से जो परिवार का दुख बढ़ गया, उसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। फरीदाबाद की जनता को हम सही खबर बताएंगे। तो इनके पिताजी भी हैं और इनके भाई भी हैं। तो भाई हैं, ये छोटे भाई हैं आप शायद, और इनके पिताजी भी हैं, और दो बच्चे भी हैं, एक बच्चा ये है। हाँ सर, नमस्कार। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्म सिंह चिंडालिया है। अच्छा, मैं अनिल कुमार का पिताजी हूँ। काफी दुखी हैं, देखिए पिताजी हैं, दुखी आत्मा है। मेरे बेटे ने रिवॉल्वर को साफ कर रहा था, अचानक दुर्घटना हो गई, लोगों ने गलत खबर छाप दी, उससे हमारे पूरे परिवार को बहुत आघात है। हम उस गलत खबर का, जो खबर उन्होंने छापी, उससे हम बहुत दुखी हैं। हम चाहते हैं हमारे बेटे के अनाप शनाप कोई खबर ना छापे, हमको बहुत दुख है। और हम आपसे भी कहते हैं, हमारे ऐसे दुख के समय पर आप लोग जो सहयोग में आए हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इनको, बच्चों के लिए हम पुलिस प्रशासन से, प्रताप से भी मदद की गुहार मांगेंगे। मेरे छोटे छोटे पोते हैं, मैं प्रशासन से कहूँगा कि मेरे बच्चों के लिए पूरी मदद करेगी। मेरी प्रशासन बहुत सहयोग दिया है, हर साथ है मेरा। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस दुख भरे समय पर मेरा साथ देगी प्रशासन भी। बिल्कुल जी, हमने भी कई बार मुलाकात की थी अनिल कुमार जी से। काफ़ी अच्छे आदमी थे, काफ़ी बहादुर थे और काफ़ी आगे जाना चाहते थे, लेकिन एक दुर्घटना थी। दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती थी। फरीदाबाद के कई थानों में, चौकियों में उनकी तैनाती रहे। बाकी भाई हैं, ये बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आप? सुमित कुमार नाम है सर मेरा। अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ तैनाती रही और अभी कहाँ तैनाती थी? वो गुड़गांव में तैनाती थी, पहले प्रीतपाल सांगवान के पास पीएसओ लग रहे थे वो, फिर अब गुड़गांव सर्विस थी उनकी कोर्ट में, सिविलियंस डिपार्टमेंट में, और वो अपनी मैगजीन पिस्टल की सफाई कर रहे थे, और अचानक से दुर्घटना हो गई। भाई काफी दुखी है, हम पूरे दुखी है, और गलत न्यूज छपने से हमारे फैमिली में और ज्यादा दुखी की। फोन आ रहे होंगे आपको, है? हमने तो ये सुना, हमने तो वो सुना। हाँ जी, सब हर जगह से फोन आ रहे कि भाई तुम्हारा ऐसे दुर्घटना हुई है या क्या हुआ है, कोई कह रहा सुसाइड, सुन रहे हम न्यूज में, जो
कई बार पेपर तो है में अधूरी खबरें लोग छाप देते हाँ हैं, कहीं से कोई फोन कर दिया जी गांव से भाई यहाँ सुसाइड हो गया, तो ऐसे ही खबरें छाप दी जाती हैं, जी जबकि पूरी तरह से पुष्टि करनी चाहिए आखिर हुआ क्या था, उसके बाद ऐसी खबर छापनी चाहिए थी। और ऐसी खबरें वायरल ज्यादा होती हैं, तो मुझे लगता है इस खबर को भी वायरल करें और इनका उत्साह बढ़ाने की जरूरत है, इनके उत्साह को कम ना किया जाए। अगर ये खबर किसी के पास पहुंच भी रही है तो इनको जो है समझ जाए और यहाँ पर आकर जो है इनके दुख में जो है हाथ बटाएं, ये नहीं कि फोन करके भाई हमने तो वो सुना हमने तो वो सुना, इससे दुख बढ़ जाता है, इससे परेशानी बढ़ जाती है और जो एक मेंटल टॉर्चर होता है वो बहुत गलत होता है। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील है पब्लिक को? अपील यही है कि हमें हमारे भाई को ऐसे वो ना किया जाए कि जो कि हमारे जो दुर्घटना को सुसाइड बता रहे हैं, वो 20 साल से सर्विस कर रहे हैं, 2003 के सर्विस ज्वाइन करी थी उन्होंने पुलिस में, और 20 हजार दो सॉरी 2000 20 साल हो गए 20 साल उनको हो गए उनको सर्विस करते करते, 20 साल और हो गए, ऐसी काफी दुर्घटना दिन हो हो गए, गए काफी दिन हो गए हैं पुलिस उनको। की, इतनी मतलब छाती आगे बहुत बढ़ने आगे छाती उनकी बढ़ने की, हाँ, प्रमोशन होने जी वाला था प्रमोशन भी उनका, होने वाला था दिसंबर में उनका, होना अभी था, दिसंबर में प्रमोशन होना था, तो बिल्कुल प्रमोशन होता है, हाँ एसआई जी बनते बिल्कुल। एएसआई बनते, तो ये बेटे ऐसी हैं गलत दोनों हैं। गलत रिपोर्ट के कारण हमारी फैमिली को बहुत तो चलो, दर्द हो जिन्होंने रहा है। अगर गलत रिपोर्ट छापी भी है तो एक खेद प्रकट करते हुए उसको सही कर लें, एक खबर अच्छी छाप दें कि भाई ये खबर गलत थी और इनकी जो मृत्यु हुई है वो दुर्घटना की वजह से हुई है। बाकी फरीदाबाद पुलिस या हरियाणा पुलिस की तरफ से मदद तो मिल रही होगी, कुछ हाँ मदद मिल रही है, आश्वासन मिल रहा होगा, आश्वासन क्योंकि मिल रहा है, पुलिस ने तो गुड़गांव पूरा पुलिस मान से भी सम्मान मान दिया है सम्मान उसके दिया है, लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत, तो सब गांव वाले ही हैं भैया, सारे हाँ गांव सभी वाले गांव तो के, जानते थे उनको, अनिल कुमार को हाँ जी हाँ जानते थे, बहुत मिलते जानते, रहे हाँ होंगे जी आप लोग, हाँ कैसे जी आदमी थे, ठीक थे ना बढ़िया? बहुत बड़े आदमी थे जी ये, जो मिलनसार थे, कोई ऐसा कोई गांव में कोई ऐसे कोई वो नहीं थी, बिल्कुल बहुत बढ़िया लड़का था ये, बिल्कुल हमारे हमारा जो भतीजा लगता था हमारा ये, हम सभी का कभी जो चाचा के कभी ने पूरा मान सम्मान करता था जी, और गुड़गांव में तैनात थी इसकी, अब बहुत बढ़िया जो इसने वो सर्विस बिल्कुल दिया, इसने अफसरों के साथ बहुत बढ़िया मिलान था इसका, 2003 में इसकी भर्ती हुई है इसकी, और उसमें 20 साल इसने नौकरी करी है, पर अभी जो इसने जो वो अपना जो हसला था उस पर जो सफाई कर रहा था उसकी, बिल्कुल जी बिल्कुल, अचानक उसकी जो उसके अच्छा जो अच्छा आ गया वो उसको कहाँ भैया कहाँ लगी थी गोली जो है? गोली उसके हेड में लगी थी, बैठ के कर साइड रहा हेड में, था, अच्छा साफा साइड कर रहे थे में बैठ बैठ के, के साफ करो तो हाँ उसको, बैठ के तो हाँ चली होगी जो है, लग गई होगी हाँ जी हाँ जो भी जी है। तो ये एक दुर्घटना थी और एक गलत खबर छपने की वजह से उनको भी जो है मतलब बुरा लग रहा होगा, ऊपर भले चले गए हैं लेकिन उनको भी बुरा लग रहा होगा, ऊपर भी देख रहे होंगे भाई गलत खबरें छप रही हैं, क्योंकि ये काफी आगे जाना चाहते थे और इस तरह से उनकी दुर्घटना में सुनील भाई है दुखद मेरा, मौत हो गई। बड़े हाँ भाई है सर, क्या नाम है? अच्छा, मेरा बड़े भाई, सुनील कुमार नाम है बड़े जी। भाई हैं, बड़े अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि अनिल मेरा छोटा भाई था, 2003 में उसने हरियाणा पुलिस ज्वाइन करी, 20 साल उसने बहुत अच्छी सेवाएं दी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया अफसर, बहुत अच्छा था, ऑफिसर्स के साथ काफ़ी अच्छा लाइजन रहे, अच्छी ड्यूटी करिए, काफ़ी दिन उन्होंने बहुत अच्छा टाइम काटा, अचानक पिस्टल बस नहीं कैसे किस वजह से वो चल गया, सफाई करते वक्त जैसे मेरे भाई की अचानक मृत्यु हो गई, हम बहुत आघात हैं। और ये मीडिया में अनाप शनाप जो खबरें हो रही हैं, क्योंकि 20 साल जो सेवा करी है उसने, उसका ये मतलब बिल्कुल गलत गलत है, नेगेटिविटी बिल्कुल जाती जी है, गलत इमेज बन गई एक तरह से, उसने लेकिन ये 20 साल इमेज बननी सेवाएं नहीं दी हैं। चाहिए, अभी जो है अभी भी टाइम है इस भूल को सुधार लिया जाए, और जो सोशल मीडिया वाले हैं वो भी जो है कोशिश करें एक खबर जो गलत चल गई है वो खबर को ठीक किया जाए और इस तरह से जो है परिवार को दुखी ना किया जाए। तो सबकी यही मांग है, पिताजी से बातचीत कर ली और दोनों बेटे हैं जो है, कौन सी क्लास पढ़ते भैया आप? 11th क्लास 11th में, कहाँ पे पढ़ते हैं? के विद्या मंदिर अच्छा सिंह अच्छा सीनियर सेकेंडरी। पिताजी ने कभी कोई परेशानी बताई हो आपको? कोई कभी दिक्कत भी नहीं? कोई नहीं, आप भैया क्या नाम? छोटा बेटा है, छोटे बेटे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th। 7th में पढ़ते हैं।
ठीक है सर, ठीक है, आपका जो है मदद होनी चाहिए हरियाणा पुलिस की तरफ से, जिसके लिए इंटाइटल हैं और जो भी जो है इनको मदद होनी चाहिए। देखिए हरियाणा सरकार हमेशा मदद करती है और हरियाणा पुलिस भी हमेशा मदद करती है, तो इनकी भी मदद उसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह से अन्य पुलिस कर्मियों की मदद होती है, क्योंकि अगर इनकी मदद नहीं हुई तो इनका हौसला डगमगा जाएगा। देखिए बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, कई लोग पुलिस में रह चुके हैं आपके परिवार से, हाँ सी भाई साहब, कई लोग रहे। मेरे दो बेटे सुनील और अनिल, दोनों बेटे, मैंने नाम भी ऐसे सोच के रखे थे मेरा नाम बढ़ाएंगे मेरे बेटे, लेकिन किस्मत से लाचार हूँ मैं बढ़ने की बजाय नीचे घट गया। मैं पुलिस प्रशासन, हमारे महेंद्र सिंह राठी जी ने बहुत मदद की और हमारे राजकुमार जी ने भी बहुत हमारे साथ दिया, सहयोग दिया, और महेंद्र पाठक जी हैं, पाठक जी, हाँ महेंद्र पाठक जी, उन्होंने हमको पूरा कोऑपरेट भी किया, हमारी मदद धीर जी भी बधाई। और मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों के साथ पुलिस प्रशासन पूरा योग हम कुछ मदद दे दें और उनकी मदद होनी चाहिए, मदद, हाँ, मदद होनी चाहिए, परिवार की मदद होगी तो बच्चों का हौसला और बढ़ेगा। और देखिए जब पिताजी या कोई भी पुलिस में होते हैं या फौज में होते हैं तो बच्चे अपने आप से पुलिस या फौज में जाना चाहते हैं, तो ये बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, मदद हो गई तो ये भी जाएंगे पुलिस में, जनता की सेवा करेंगे, सरकार की सेवा करेंगे। तो मदद की मांग है और जो गलत खबरें छपी है उसको ठीक करने की मांग है, दो ही मांगे हैं इनके और कोई ज़्यादा मांग नहीं है। तो टीकावली गाँव से लाइव थे, हमने आपको शुरुआत में दिखाया किस तरह से पुलिस ने मान सम्मान किया है और विधिवत इनका अंतिम संस्कार सलामी देकर की गई है, जो हमने आपको लाइव दिखा भी दिया था। तो यही सब बताना था, फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह नमस्कार। और कुछ कहना है सर, और कुछ दिखाना है आप? मैंने दिखा दिया, सलामी वगैरह दी गई विधिवत, जिनको यकीन नहीं होगा क्योंकि हरियाणा पुलिस को भी पता है, जाँच पड़ताल हो गई है और सबने यही माना है कि ये दुर्घटना है, तो गलत खबरें क्यों छपें और गलत मैसेज क्यों दिया जाए, तो सही मैसेज ही दिया जाना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर आए थे। उनकी फ़ोटो भी दिखाएंगे क्योंकि मेरे पास उनकी फ़ोटो भी है, बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं। देखिए जी फोटो भी दिखा देते हैं, ये देखिए, ये देखिए ये फोटो है, देखिए ये फ़ोटो है, आप देख लीजिए, हाँ ये देखिए ये फ़ोटो है। तो इनको आप कमेंट बॉक्स में सलामी ज़रूर दीजिए और 20 साल की सेवा को सलाम ज़रूर कीजिए सही खबर के साथ, फरीदाबाद। और कुछ दिखाएंगे सर, क्या दिखा रहे थे? ये मेरे बेटे अपने, हाँ हाँ बेटों को दिखाइए, देखो चारों बेटे हैं, परिवार है, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल इस तरीका से है, बिल्कुल जी, मैंने बड़ी मेहनत के साथ इनको आगे बढ़ाया लेकिन किस्मत से मैं लाचार हूँ, ये ऐसी दुर्घटना, किस्मत में जो लिखा था वही होगा। बाकी देखते हैं पुलिस मदद करती है कि नहीं, हरियाणा सरकार मदद करती है कि नहीं। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह नमस्कार।